बंसल की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पाव भाजी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसकी इंग्रेडिएंट इस प्रकार। इसके लिए हमें आलू 5-6 जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, थोड़ी सी गाजर जो मैंने चॉप करके रखी है, कद्दू इसके भी पीस करके रखे हुए हैं, फूलगोभी इसको भी मोटे मोटे पीस में काटे हैं, शिमला मिर्च इसके भी पीस काटने हैं, और थोड़े से मटर, थोड़े से बैंगन, सभी के छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। और भी अगर कोई भी सब्जी हम अपने टेस्ट के अनुसार डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तड़के के लिए मैंने 4-5 टमाटर और 4-5 प्याज चॉप किए, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, और एक पाव भाजी मसाला। अब हम भाजी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले कुकर लो और आधा गिलास पानी डालें। इसके बाद एक एक करके सभी सब्जियां कुकर में डालें। गैस पर चलाओ और इसकी स्टीम बनने दो और 2 विसल आने का इंतजार करो। और दूसरी तरफ हम अब गैस ऊपर पैन रखो और इसमें घी डाल। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डालो। लहसुन और अदरक अगर डालना चाहो अपने टेस्ट के अनुसार तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। धीरे धीरे प्याज ब्राउन होने लग गया है, अब इसको 5 मिनट और लगेगा। विसल आ चुकी है, अब गैस और ठंडे होने का इंतजार करें। अब कुकर को खोलो और कड़छी से चलाओ। सब्जियां गल चुकी हैं, अब इसमें हैंडी ब्लेंडर से ब्लेंड करो। सब्जियां मैश हो चुकी है, प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें टमाटर डालो। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालो। इसमें थोड़ा सा धनिया मसाला भी डालो।
बहुत अच्छा हो जाता है। अब तड़का बन चुका है और इसमें मैश की हुई सब्जियां डालो और गैस को बंद नहीं करना, थोड़ा सिम करो और सभी सब्जियां मिक्स करो। अब इसमें पाव भाजी मसाला 4 चम्मच डालो, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसमें थोड़ा सा मक्खन छोड़ो। इसे धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए हिलाते रहो। अब लास्ट में इसमें 2 नींबू निचोड़ो। और इसे मिक्स करो। इसमें आप 1 चम्मच टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है। इसका घी छोड़ने का इंतजार करो। अब ये बनकर तैयार हो चुकी है, अब गैस को बंद करो। अब ये बनकर तैयार हो चुकी है, ये खाने में बहुत ही मजेदार होती है। इसको ब्रेड के साथ और पाव के साथ खाया जाता है। पाव को सेकना और ब्रेड को सेकना मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें।